साथियों, भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। भारत विकसित भी तभी बन सकता है जब भारत के गांव विकसित हो। इसलिए आज हमारी सरकार भारत के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जो शहरों में मिला करती है। आप सब जानते हैं कि एक समय था जब देश की एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती थी, यानी करोड़ों करोड़ लोग हमेशा किस्मत के भरोसे अपना जीवन दांव पर लगा कर जीते थे। ये मान लिया गया था कि अच्छे अस्पताल तो दिल्ली, जयपुर में या बड़े शहरों में ही होते हैं। हम इस स्थिति को भी बदल रहे हैं। आज देश के हर हिस्से में नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है। 8-9 साल पहले राजस्थान में भी केवल 10 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज राजस्थान में भी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है। इससे अपने ही जिले के आसपास अच्छे इलाज की सुविधा तो हो ही रही है। इनसे पढ़ाई करके बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। ये डॉक्टर्स छोटे कस्बों और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बन रहे हैं। जैसे कि आज जो नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, इनसे बारा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जैसलमेर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और सीकर समेत कई इलाकों को लाभ होगा। इलाज के लिए अब लोगों को जयपुर और दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आपके घर के पास अच्छे अस्पताल भी होंगे। गरीब का बेटा और बेटी इन अस्पतालों में पढ़कर डॉक्टर भी बन पाएंगे। और साथियों, आपको पता है हमारी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को भी मातृभाषा में पढ़ाई कराने का रास्ता बना दिया है। अब यह नहीं होगा कि अंग्रेजी न जानने की वजह से किसी गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर बनने से रुक जाए। और ये भी मोदी की गारंटी है।